तरीके से जसप्रीत 10 साल की उम्र में पूरे परिवार का जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरा परिवार की जिम्मेदारी जिस तरीके से आप संभाल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आप करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पापा की जाती है, ये मन नहीं करना चाहते इसलिए करना पड़ता है, और मैं ब्रदर के साथ मिलकर खोलता हूँ। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? मैं 6th में पढ़ता हूँ। क्या कहेंगे, आपके ऊपर बहन की भी जिम्मेदारी है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं है? बहन को किस तरीके से आप देखभाल करते हैं, उनकी किस तरीके से? मैं बुआ के साथ देखभाल करते हैं सारे मिलकर चारों। पापा को लेके क्या कहेंगे? पापा से मेरी जब डेथ हुई थी तब क्या इमोशनल पल था आप लोगों के लिए? ये था क्या ये बात थी क्या, पापा तो बहुत चंगा लगा, मेरे पापा की रेडी तो बंद नहीं करना चाहते। आपका क्या एम्बिशन है कि आगे आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, पढ़ाई करके आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर। क्या UPSC का सपना है? किस तरीके से मेहनत चल रही है अभी, किस तरीके, कौन सी स्कूल में आप पढ़ते हैं? मैं नंबर 2 में पढ़ता हूँ। पूरा स्कूल का नाम क्या? सबोदय बाल विद्यालय नंबर 2। जी जसप्रीत, कल शाम से जो है आपका वीडियो एक सोशल मीडिया साइट पर डला, उसके बाद से आप जो वायरल हुए हैं, आप खुद आप आनंद महिंद्रा जी ने आपको लेकर ट्विटर पे ट्वीट किया, और उसके बाद जो है लोगों का एक काफिला यहाँ पे पहुँचा, खुद मंत्री जी यहाँ पे पहुँचे, तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्या कहेंगे? पापा जी की कब डेथ हुई थी, किस तरीके से परिवार के ऊपर एक आफत आ पड़ी थी, पर उसमें आप भी कहीं ना कहीं अब जो है आप मदद करने उतरी, खुद मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? 14 अप्रैल को पापा की डेथ हुई थी। क्या हुआ था पापा को? टीवी। और मैं अपनी जिम्मेदारी का संभालूंगा अपने भाई के स्पोर्ट से। और बड़े हो गए क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर। मतलब UPSC का सपना है।